यू वेरी मच। धन्यवाद वित्त मंत्री जी। अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय से आदर पूर्वक निवेदन करता हूं कि वे कृपया ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म का लोकार्पण करें। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। अब मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने विचारों से हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी। नमस्ते जी। देश में चल रहा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का सिलसिला आज एक नए पड़ाव पर पहुंचा है। ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन, ऑनरिंग द ऑनेस्ट, 21वीं सदी के टैक्स सिस्टम की इस नई व्यवस्था का आज लोकार्पण किया गया है। इस प्लेटफॉर्म में फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और टैक्स पेयर चार्टर जैसे बड़े रिफॉर्म्स हैं। फेसलेस असेसमेंट और टैक्स पेयर चार्टर आज से ही लागू हो गए, जबकि फेसलेस अपील की सुविधा 25 सितंबर यानी दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन से पूरे देश भर में नागरिकों के लिए उपलब्ध हो जाए। अब टैक्स सिस्टम भले ही फेसलेस हो रहा है, लेकिन टैक्स पेयर को ये फेयरनेस और फियरलेसनेस का विश्वास देने वाला है। ये सभी टैक्स पेयर्स को इस महत्वपूर्ण तोहफे के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और इनकम टैक्स विभाग के सभी अधिकारियों को, हर छोटे मोटे कर्मचारी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, बीते 6 वर्ष में हमारा फोकस रहा है बैंकिंग द अनबैंक, सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड और फंडिंग द अनफंडेड। आज एक तरह से एक नई यात्रा शुरू हो रही है, ऑनरिंग द ऑनेस्ट, ईमानदार का सम्मान। देश का ईमानदार टैक्स पेयर राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जब देश के ईमानदार टैक्स पेयर का जीवन आसान बनता है, वो आगे बढ़ता है, तो देश का भी विकास होता है, देश भी आगे बढ़ता है। साथियों, आज से शुरू हो रही नई व्यवस्थाएं, नई सुविधाएं
मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस इसके प्रति हमारी प्रतिबद्धता को और मजबूत करती है। ये देशवासियों के जीवन से सरकार को, सरकार के दखल को कम करने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। साथियों, आज हर नियम कानून को, हर पॉलिसी को प्रोसेस और पावर सेंट्रिक अप्रोच से बाहर निकालकर उसको पीपल सेंट्रिक और पब्लिक फ्रेंडली बनाने पर बल दिया जा रहा है। ये नए भारत के नए गवर्नेंस मॉडल का प्रयोग है और इसके सुखद परिणाम भी देश को मिल रहे हैं। आज हर किसी को ये एहसास हुआ है कि शॉर्टकट्स ठीक नहीं है, और हमारे यहां तो रेलवे स्टेशन पे लिखा जाता है, शॉर्टकट विल यू कट यू शॉर्ट। गलत तौर तरीके अपनाना सही नहीं है, वो दौर अब पीछे